वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पॉलिटिक कंसेप्ट। तो आज हमारे प्रीएम्बल का दूसरा पार्ट स्टार्ट होने वाला है। इसमें आज हम लोग ये देखेंगे कि प्रीएम्बल में कुछ इंग्रेडिएंट्स थे, क्या क्या चीज़ थे, ये सब चीज़ आज हम प्रीएम्बल में देखेंगे। तो ये हमारा जो एक नया अभी सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया, इस सीरीज में हम लोग ये मेन ये देखना है कि हमें पॉलिटी से रिलेटेड कोई भी चीज़, बेसिक टू लेके एडवांस मुझे कोई भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए। ये मेरा मेन मोटिव है। किसी भी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ आया है और ये चीज़ क्या होता है। तो हमने एक इनिशिएटिव लिया, वन स्टॉप सॉल्यूशन। इंडियन पॉलिटी का जो भी प्रिपरेशन करते हैं, या वो जनरल अवेयरनेस के लिए पढ़ रहे हो या कोई भी चीज़ के लिए पढ़ रहे हो, तो मैंने एक इनिशिएटिव लिया, वन स्टॉप सॉल्यूशन इंडियन पॉलिटी प्रिपरेशन का, ठीक है। इसमें स्पेशली है कि लक्ष्मीकांत भी इसमें स्पेशली चल रहा है। इसमें फिर जो भी चीज़ करेंट, जैसे कि करेंट इशू होगा वो भी इसी में काउंट किया जाएगा, दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ कि कंसेप्ट, जैसे मतलब क्या होता है, हर जगह आप पढ़ोगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे टीचर पढ़ाएंगे, मैं ये मान सकता हूँ, बट क्या होता है टीचर, तो मेरा मेन इंटेंशन यही है कि जो बच्चा अगर पहली बार ही मान लो पॉलिटिक्स पढ़ रहा है, तो उसको मतलब बेसिक भी क्लियर होना चाहिए, साथ साथ में एडवांस को जैसे जैसे पढ़ता है वो चीज़ यहाँ पे कंसेप्ट उसका अच्छे से अच्छे मतलब क्लियर हो। और कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप ये चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मुझे इस चीज़ का प्रॉब्लम है, तो मैं उस चीज़ को एज सुन एज पॉसिबल उस चीज़ को सही करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये आज हमारा प्रीएम्बल का दूसरा पार्ट स्टार्ट होने वाला है। तो अभी हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था प्रीएम्बल से रिलेटेड, हमने बहुत चीज़ पढ़ लिया है, थोड़ा सा भी स्टार्ट किया। तो ये प्रीएम्बल एक मैंने भी थोड़ा सा अपने हैंड राइटिंग में कुछ कोशिश किया था बनाने का, तो ये चीज़ है प्रीएम्बल से रिलेटेड। और प्लीज आप लोगों से एक कमेंट है कि मेल करते हो ना, चलो ठीक है, मेरे पास कुछ मेल आया था इसलिए मैं कह रहा हूँ मेल कर तो अच्छी बात है, बट मेल करने के साथ साथ ना आप ऊपर अपना इशू भी लिख दिया करो। ये चीज़ सही है कि आप बताते हो कि हाँ सर यहाँ पे आपने सही पढ़ाया है, ये चीज़ आपका कंसेप्ट अच्छा है, ये इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन उसमें ऊपर में ना अभी क्या, मैं भी देखो एक ऐसे स्टूडेंट ही आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, जो मुझे नॉलेज है, मैंने कहीं से पढ़ा है, मुझे पता है कितने प्रॉब्लम होते, तो मैंने उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा पार्ट में जिसमें हम लोग इंग्रेडिएंट्स से रिलेटेड और जो सोशलिज्म सेकुलरिज्म ये चीज़ क्या है, वो सारे के सारे चीज़ हम लोगों ने इस कंसेप्ट में क्लियर किया हुआ, ठीक है। तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हुए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इंग्रेडिएंट। देखो आप इंग्रेडिएंट का मतलब अगर आपको पता हो क्या होता है, जब हम कभी भी कोई भी खाना बनाते हैं तो क्या होता है, उसके अलग अलग मसाले या हर एक चीज रखते हैं साथ में, तो वो क्या कहलाता है, इंग्रेडिएंट कहलाता है। इंग्रेडिएंट का यही मतलब, इंग्रेडिएंट सीधी सी बात है क्या कि क्या है सोर्स। पहले देखो हमेशा इंग्रेडिएंट का मतलब मैं बता रहा हूँ, तो हम लोग को ये बताया गया जब हम लोग ने प्रीएम्बल बनाया तो हमारे पास चार इंग्रेडिएंट थे या चार कंपोनेंट कह सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि जब हम प्रीएम्बल कंप्लीट कर रहे हैं तो हम लोग कुछ, जैसे सब्जी कंप्लीट करते हैं तो हम लोग कुछ लेके बैठते हैं, जैसे मसाला ले लिए, प्याज ले लिए, जो भी चीज़ बनाना। देखो मुझे बनाना नहीं आता बट मैं बता रहा हूँ, जैसे हम लोग देखते हैं घर पे बनाते हुए, उस चीज़ से रिलेटेड मैं आपको एक तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी इन्ग्रीडियंट हुआ, फोर इन्ग्रीडियंट यहाँ पे था, ठीक है, ऑफ द कंपोनेंट या जो भी चीज़ बोल सकते। तो सबसे पहला क्या था, सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या कहता है, जो प्रीएम्बल कहता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो डिराइव किया गया या उसका अथॉरिटी है किससे, फ्रॉम द पीपल। अब एक चीज बताओ, हम संविधान बना रहे थे किसके लिए बना रहे, अपने देश के लिए बना रहे, दूसरा किसके लिए, अपने देश के लोगों के लिए बना रहे, तो यही चीज था। तो सोर्स जाता है अथॉरिटी का अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किससे होता है, डिराइव किया जाता है, फ्रॉम द पीपुल ऑफ इंडिया। देखा हो जब हम लोग वी द पीपुल ऑफ इंडिया, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल पढ़ते थे, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, कोई भी चीज़ क्या ना, हम लोगों के बेसिस पे ही बनाया गया, ठीक है। दूसरा इसमें क्या था, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। हमारा हमारा देश है इंडिया, जो इंडिया टू बी द क्या, इन्होंने डिक्लेयर किया, क्या डिक्लेयर किया, इट इज़ ए इंडिया,
टू बी द पार्ट ऑफ सॉवरनिटी, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। फिर क्या था, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक पॉलिटी। मतलब हम लोग क्या है ना, एक तरीके से कहते हैं ना कि हम लोग अपने देश के लिए हर एक चीज़ बता रहे हैं कि इंडियंस क्या है, सोशलिस्ट रहेगा, आपसी भाईचारा बना के रहेगा, सेकुलर रहेगा, किसी के प्रति भेदभाव नहीं करेगा, डेमोक्रेटिक रहेगा, पूरे संविधान के अनुसार चलेगा, रिपब्लिक जो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारा नेचर यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की। पहला क्या था, सोर्स ऑथोरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा क्या था, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। तीसरा क्या हुआ यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ना, कि कोई भी एक तरीके से क्या होता है, कोई भी जहाँ पढ़ते हैं उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव तो होगा। तो यहाँ पर भी प्रीएम्बल का कुछ ऑब्जेक्टिव था। क्या ऑब्जेक्टिव था, ये हमें एक तरीके से स्पेसिफाई कर रहा था किस चीज से रिलेटेड। रिलेटेड क्या था यहाँ पे, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये क्या था, एक तरीके से ऑब्जेक्टिव था। इसका मतलब क्या था कि हमें इक्वलिटी होना चाहिए, हम लोग आपस में इक्वलिटी होना चाहिए, कोई या किसी को कोई भी चीज दिया जा रहा है, जैसे किसी में भेदभाव नहीं करना है। जैसे अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट की जाए, कोई भी कोर्ट, तो हम लोग पैसे के ऊपर भेदभाव नहीं करते, लेकिन डिले होता है, मानते हैं। लेकिन जो याद रख लो कि डिले तो होता है, लेकिन हम लोग को क्या है ना, एक प्रॉपर क्या कह सकते हैं उसको, हम लोग को जस्टिस मिलता है। तो वहाँ पे उस ये पैसे के या कास्ट के बेसिस पे हम लोग क्या भेदभाव नहीं मिलता, वहाँ इक्वलिटी हम लोगों को क्या होता है, सब कुछ वहाँ पे मिलता है, जस्टिस इक्वलिटी मिलता है, लिबर्टी रहता है कोई भी चीज़, फ्रेटर्निटी हम लोग क्या करते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था। और फिर चौथा क्या था, डेट ऑफ एडप्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हम लोगों ने कब कॉन्स्टिट्यूशन को अडोप्ट किया था। तो ये याद रख लो, बहुत ऐसी चीज़ें ना वो आपको बताएंगे क्या सीधा जनवरी 26 1950। बट मैं उससे पहले एक चीज़ बता रहा हूँ, बहुत ऐसे टीचर्स ये चीज़ क्लियर करेंगे, लेकिन मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर, कुछ पार्ट जो है ना हम लोगों ने पहले 26 जनवरी 1949 को ही अडोप्ट कर लिया था। हाँ, आफ्टर डैट के जो पार्ट थे वो कब अडोप्ट किया, फाइनली 26 जनवरी 1950 को ही अडोप्ट किया गया। तो ये चार इनग्रीडियंट थे प्रीएम्बल। देखो कुछ की फीचर्स हैं, की फीचर्स का मतलब क्या है ना, किस बेसिस पे ये चल रहा है। सबसे पहले जी, तो इसको बोलते हैं की वर्ड्स, ये तुम लोग की वर्ड्स भी बोलते हो या की फीचर्स हैं, तो इन द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल ये हम लोग पिक करते हैं, तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं कि प्रीएम्बल में क्या क्या है या क्या क्या चीज़ें। तो हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट में ही उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हाँ, अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो जरूर बताना, क्योंकि देखो हर एक इंसान का क्या होता है ना, कुछ कुछ कीवर्ड्स से डिफाइन किया जा सकता है, ये याद रख लो, कोई भी इंसान होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक कीवर्ड दे देते हैं। हाँ, अगर तुमसे पूछ ले कि हाँ ये टीचर कैसा पढ़ाते हैं, तो एक कीवर्ड से आप लोग दे सकते हो ना, कि जैसे हम लोग और आज के तक कीवर्ड्स क्या है यहाँ पढ़ाने से रिलेटेड, रेंज, कि सर आपको हमारा फीडबैक कैसा लगा, प्लीज 1 से लेके 10 के बीच में जरूर उसको एक्सप्लेन करो। तो ये एक तरीके से कीवर्ड हो गया, आपका ये पूरा पढ़ाया हुआ, मेरा पूरा पढ़ाया हुआ ये चीज एक तरीके से एक्सप्लेन कर देगा, सिर्फ किसमें, एक 10 वर्ड में, 10 चीज में, एक फीडबैक के फॉर्म में ये एक्सप्लेन कर देगा। तो यहाँ यही चीज है, कीवर्ड्स का मतलब यही चीज होता है। कुछ ऐसे सेकेंड कीवर्ड्स है, जैसे क्या है ना, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। देखो मैं इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँगा, अगर मैं मान लो ऐसे बिना उसी के, मैं सिर्फ इसी कीवर्ड पे क्लिक, मैंने थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन भी डाल दिया, जिससे आपको भी अगर इन फ्यूचर पढ़ने के मन करता है तो आप इस चीज़ को यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखो कभी भी ना, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा चीज़ है जिसको सिर्फ पेपर के लिए मत पढ़ो, समझो कि है एक्चुअल में क्या, क्योंकि क्या ना ये चीज़ बहुत कम कोचिंग भी हुआ कुछ, मैं ओपनली मैं भी पढ़ा हूँ कहीं से, तो मैं बता रहा हूँ ओपनली, सीधी सी बात है ना, सिर्फ बुक से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, एक्स्ट्रा नॉलेज कुछ नहीं देंगे, और ये सब टॉपिक तो कहीं पढ़ाते भी नहीं है भाई, सीधी सी बात है। हाँ ठीक है, हाँ हो गया, ठीक है, ये चीज़ पढ़ लेना पेपर बुक में दिया हुआ, नहीं तो आगे जाओ चैप्टर पे
इंक्लूड करके पढ़ा दिया जाएगा। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर एक एक चीज़ आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ इस चीज़ को फोकस होकर पढ़ें। थोड़ा लेंदी हो सकता है लेकिन ये आपके लिए फायदेमंद है। तो पहला क्या है ना, सॉवरन। तो देखो सॉवरन में क्या, तो सॉवरन क्या ये एक तरीके से क्या होता है ना कि ये कहता है कि इंडिया एक ऐसा है, सॉवरन मतलब क्या हो गया, ना ही नैदर ये डिपेंडेंट है, ना ही किसी पे डोमिनेंस है, किसी भी अदर नेशन पे। इसका मतलब क्या है ना कि ये सीधी सी बात है कि फ्री है, कोई भी चीज़ अपना इकोनॉमिकल जैसे इंटरनली है या एक्सटर्नली कोई भी चीज़ है, ये किसी की ऑथोरिटी के अंदर में आई काम नहीं कर सकता। मतलब क्या हो गया, जैसे हम लोग पहले क्या थे, ब्रिटिश के अंदर में थे, तो कोई भी काम करते थे तो उनसे रिलेटेड ये काम हुआ करता था। हाँ वो बोले कि होगा तो होगा, वो बोले नहीं होगा तो नहीं होगा। तो अब हम लोग क्या है ना, किसी के अंदर हम लोग क्या ना एक तरीके सॉवरन स्टेट है। सॉवरन स्टेट का मतलब क्या हो गया, ना ही किसी पे हम डिपेंडेंट है, ना ही किसी के हम डेमोक्रेसी है, डेमोरेंस है कि हमको ये जो बोलेगा उसी पे हम लोग ये काम करें, क्योंकि हमारे पास क्या ना फुल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मान लो कहा जाता है कि कॉमनवेल्थ है, तो कॉमनवेल्थ में भी हम लोग अगर मान लो तो हम लोग क्या है ना फुल मेंबरशिप है कॉमनवेल्थ का। ये नहीं है कि हम लोग ब्रिटिश क्राउन के एक्सेप्ट में, क्योंकि देखो बहुत ऐसे देश है ना वो क्या है ना ब्रिटिश क्राउन, जो ब्रिटिश क्राउन उसको हेड मानते कॉमनवेल्थ का, लेकिन यहाँ पे नहीं, हम लोग ने क्या किया एक्सेप्ट किया है, लेकिन हम लोग अपने अनुसार काम करेंगे। हम लोग कॉमनवेल्थ में खेलते भी लेकिन हम लोग अपने अनुसार काम करते हैं। फिर हम लोग क्या है ना बींग सॉवरेन स्टेट, सॉवरेन स्टेट में क्या इंडिया ना कैन आइदर एक्वायर फॉरेन टेरिटरी, और ये इंडिया क्या कर सकता है किसी भी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है, और ये सीज कर सकता है अपने पार्ट, ठीक है, इन द फेवर ऑफ फॉरेन कंट्री। अगर कोई भी चीज़ हमको कोई चीज़ या तो गिफ्ट दे या कोई भी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, अब या अगर मेरा कोई चीज़ कोई भी लैंड है या कुछ भी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसको एक्वायर कर सकते हैं और उसको हम सीज भी कर सकते हैं एक तरीके से। तो सॉवरन का मतलब क्या होता है एक तरीके से, एक लोकल लैंग्वेज में कह सकते हैं इंडिपेंडेंट, ठीक है, कि हम लोग कोई भी काम करेंगे तो हमको किसी बाहर के देशों से पूछ के करने की जरूरत नहीं है। इसका ये सीधा सा मतलब ये कि हम लोग सीधी सी बात है कि हम लोग चाइना की तरह शासन नहीं कर सकते। चाइना में क्या ना सिर्फ प्राइवेट पार्टनरशिप ज्यादा है, चलाता है गवर्नमेंट ही, लेकिन अपने भारत में क्या मतलब है कि हम लोग क्या कर सकते हैं आपस में मिलके काम करना प्रेफर करते हैं। कोई हमारे ऊपर कोई बर्डन नहीं डाल सकता कि नहीं, जैसे कोई कहीं कहीं गवर्नमेंट है ना क्या बोलेगा कि नहीं जो मैं बोलूंगा उसके अनुसार काम होगी, लेकिन अपने भारत में ऐसा कुछ भी नहीं। तो इसको मैंने आपको बताया हुआ था कि ये क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा एड कब के, मोस्टली ये क्वेश्चन पूछता है एड कब किया गया प्रीएम्बल में, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, ये याद रखना। सेकेंड के बाद अब कुछ एक हो गया नेक्स्ट सेकुलर, सेकुलर भी यही चीज़ है कि हमको ईच एंड एवरी हमारे जो रिस्पेक्ट है, प्रोटेक्शन है, सपोर्ट है, सबको देना, हमारे पूरे स्टेट के रिलीजियस जो भी है, ये नहीं कि ये हिंदू है या मुसलमान है उसके बेसिस पे हमको क्या करना है उसकी इम्पोर्टेंस कम रखना, नहीं, हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं, सभी रिलीजियस को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाता है, इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाता है, उसको फुल प्रोटेक्शन दिया जाता है हिंदू में। अगर हम लोग दीपावली जैसे मनाते हैं तो वैसे हम लोग क्या है ना वो लोग ईद भी यहाँ पे मना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हम लोग नहीं मनाएंगे, हिंदुस्तान है तो यहाँ पे सिर्फ दीपावली मनेगा ईद नहीं मनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको अब सेकुलर, इसको भी पूछेगा कब ऐड किया गया प्रीएम्बल में, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1977, सीधी सी बात है कि इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैंने अभी आपको सेकेंड पार्ट में पढ़ाया आई थिंक वो आपको बहुत ही अच्छा लगा। अगर वो चीज़ आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप जो पढ़ते हो पढ़ने अच्छी बात है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसे आप क्या कर सकते हैं, एक लाइक भी कर सकते हैं और इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मान लो आपके माध्यम से किसी बच्चों का जो नहीं पढ़ सकते बाहर, जैसे मान लो जो भी अब जो मान लो भागलपुर में है या मान लो जो पटना में है,
वो नहीं कैपेबल है दिल्ली आने के लिए, तो उनको ये लेक्चर आप प्रोवाइड करा दीजिए जिससे उससे भी कुछ बेनिफिट हो सके। इसकी तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि लेक्चर में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एक कमेंट सेक्शन में कमेंट करे, जिसमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जल्द से जल्द इस चीज़ को मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए मैं अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, और आप लोग प्लीज अपने एनवायरमेंट की भी रक्षा करते रहिए और माता पिता की सेवा करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।